हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने कल देखा कि नॉमिनेशन का टास्क शुरू हो गया और कल के एपिसोड में नॉमिनेट हो गए करणवीर सोमी और रोहित सुचांती। तो आज के एपिसोड में क्या होगा, क्या और भी कोई नॉमिनेट होगा, किसका होगा इम्तिहान, कौन देगा कुर्बानी, यही बात करते हैं। पहले कीजिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, कल के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह और कैसे कैसे जिन ने मांगी कुर्बानी और कुर्बानी देने में महान बने करणवीर वोरा, मगर बाकी तीन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी, यानी कि दीपिका, दीपक और रोहित, इन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी और सोमी, रोहित और करणवीर हो गए नॉमिनेट। आज इनकी लिस्ट में, यानी कि नॉमिनेशन की लिस्ट में कोई और जुड़ेगा, अभी बात करते हैं उसके लिए, क्योंकि आज बारी आएगी श्रीशांत की, आज बारी आएगी दीपिका की, आज बारी आएगी रोमिल की, और इनके लिए कुर्बानियां कौन कौन देगा। रोमिल के लिए जो जिन है कुर्बानी मांगेंगे कि सोमी को बोलो कि अपनी फैमिली फोटोग्राफ डिस्ट्रॉय करे, और सोमी कर देगी ऐसा मुझे पता है, लग रहा है कि अब फिर से अब सोमी की बारी आएगी कि अपना वो एहसान उतारने की जो रोमिल ने उसके लिए किया था, अपना फैमिली वीडियो ना देख के सोमी को वीडियो दिखाने का। तो मुझे लगता है कि सोमी कर देगी ये और रोमिल हो जाएंगे सेफ। उसके बाद बारी आएगी दीपिका कक्कर की, तो दीपिका कक्कर से मांगी जाएगी कुर्बानी श्रीशांत से, यानी श्रीशांत अपना फैमिली फोटोग्राफ डिस्ट्रॉय करे, और श्रीशांत भागे भागे जाएंगे और फैमिली फोटोग्राफ डिस्ट्रॉय करने का निर्णय ले लेंगे, जो दीपिका कक्कर अपने अंदर से रोएगी कि भाई एक बार सोच लो सोच लो सोच लो, मगर श्रीशांत नहीं सोचेंगे और कुर्बानी दे देंगे। अब आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में श्रीशांत आते हैं जिन की गुफा में, और श्रीशांत को जिन बोलते हैं कि आपको जो कुर्बानी मांगनी है अपने आप को सेव करने के लिए, वो आपको मांगनी है सुरभि से। सुरभि अपने जो टिश्यू लेटर्स हैं जिसपे वो अपने जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशनल बातें हैं, वो टिश्यू लेटर्स पे लिखती रहती है। बिग बॉस के घर में बहुत सारे लेटर्स लिख के रखे हुए हैं, उसको वो सारे के सारे जो है डिस्ट्रॉय करने हैं। श्रीशांत जो है वो नहीं मानते, वो बोलते नहीं मैं ये कुर्बानी नहीं मांग सकता, मुझे नहीं लगता कि वो करेगी भी, बट मुझे मांगनी ही नहीं है अल्टीमेटली। मगर जिनका कहना ये है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आप दूसरे से बिना पूछे अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि वो करेगी या नहीं करेगी, आपको पूछना ही पड़ेगा। और श्रीशांत पूछते हैं और सुरभि भी कर देती है कुर्बानी, मतलब ये तीनों हो जाते हैं सेफ, और अल्टीमेटली जो बलि का बकरा बने हैं केवी, वो हो जाते हैं नॉमिनेट, जैसे कल हमने बात की, और साथ में होते हैं रोहित और सोमी नॉमिनेट। तो बचे बाकी के सारे घर वाले हो जाते हैं सेव। तो दोस्तों, कैसा लगेगा आपको आज के एपिसोड देख के, आई कैन इमेजिन। देखिए, साथ में हमारा चैनल भी देखिए, और देखते रहिए, खुश रहिए, और हमेशा खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.